तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चन के नए वीडियो में। आज हम एक और मीडियम क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है मर्ज इंटरवल्स। ठीक है, तो मर्ज इंटरवल्स पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक एरे दे रखी है, गिवन एन एरे इंटरवल्स, इंटरवल नाम की आपको एक एरे दे रखी है। अच्छा, आज आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो 2D एरे है, सिंगल एरे नहीं। ठीक है, 2D एरे मतलब एरे के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो खुद में अपने आप में एक एरे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वेयर इंटरवल्स आई, मतलब इस इंटरवल का हर एक आइटम स्टार्ट और एंड, मतलब उस इंटरवल के अंदर जितने भी आइटम्स आने वाले हैं हमारे पास, हर आइटम दो दो वैल्यूज का होगा। ठीक है, कैसे, मतलब ये एक बड़ी एरे है, इंटरवल्स एरे है, इसके अंदर एक आइटम होगा जो कि खुद एरे होगा, इसके अंदर दो वैल्यूज होगी, फिर एक और आइटम होगा और उसके अंदर भी फिर दो वैल्यूज होगी। तो इस तरीके से हमें इनपुट मिलने वाला है। ठीक है, मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स एंड रिटर्न एन एरे ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स। अच्छा, तो अभी हमने यहाँ पे देखा ना, वो कह रहा है कि ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, अगर ये ओवरलैप हो रहे हैं तो आप इनको मर्ज कर देना। कैसे ओवरलैप हो रहे हैं, मान ले मैं 3 यहाँ पे लिखता हूँ, 2 यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब अब क्या हो रहा है, 1 से 3 जा रहा है और एक इंटरवल जो है वो 2 से 4 जा रहा है, तो 3 और 2 का जो एरिया है वो ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, तो उनको मर्ज करके आप इसको इस तरीके से 1 से 4 भी लिख सकते हो। बिल्कुल सही है, यही हमें करना है। वापिस पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स एंड रिटर्न एन एरे ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स दैट कवर ऑल द इंटरवल्स इन द इनपुट। ठीक है, कर लेंगे, सॉर्टेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 1 से 3, 2 से 6, 8 से 10, 15 से 18 दे रखा है। 1 से 3, 2 से 6, मतलब ये 3 और 2 जो है वो ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे इनका आ गया 1 से 6। ठीक है, अगला एक इंटरवल भी देख लो, 1 से 4, 4 से 5, 4 जो होता है वो ओवरलैप, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि एक ही पॉइंट है, तो 1 से 5 रिटर्न करा दिया। सही है, सही है, क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया है। तो एक काम करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं लिख के कि क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं, फिर अपन देखेंगे। वापिस देख लेते हैं क्या आंसर था, 1 से 3, 4 से 4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, कलर ले लेते हैं ब्लू, 1 से 3 है, एक आइटम जो है वो 1 से 3 है, ये पूरी एक एरे है। ठीक है, आज याद रखना है आपको, ये 2D एरे, अगर आपको नहीं पता कि 2D एरे क्या होती है तो एक बार थोड़ा नेट पे जाके पढ़ के आओ, है ना। 1 से 3, 2 से 6, 8 से 10 और 10 से 15, 10 से 15 है क्या, 15 से 18। अच्छा, लास्ट वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो 15 से 18 है, मतलब दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं पर अभी एक बार यही एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्योंकि बात एक ही होने वाली है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो समझो, इंटरवल अगर फटाफट वापस समझ लेते हैं, क्या कह रहा है, मान लो 1 से 3, 1 से 3 तक ये मेरा एक सिंगल इंटरवल है, दूसरा इंटरवल क्या है 2 से 6, दूसरा इंटरवल जो है वो मेरा 2 से 6 है, तो दिख रहा है ना भाई कि ये जो एरिया है वो ओवरलैपिंग एरिया है, तो इसको बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसको आप कह सकते हो कि 1 से 6 एक सिंगल इंटरवल है, तो यही हमें मर्ज करना है, हर आइटम को देखना है और देखना है कि कौन एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है और उसे मर्ज करके ऐसा एक सिंगल बना देना है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वापिस क्वेश्चन लिख देते हैं अपना, 1 से 3, 2 से 6, 8 से 10 और 15 से 18, ये एक एक एरे है और ये एक एक एरे जो है वो पूरी एक सिंगल एरे के अंदर है। ठीक है, अगेन 2D एरे है ये, याद रखना है आपको। अब देखो कि किस तरह सॉल्व कर सकते हो, तो पहले तो आप ये देखो कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए अभी अपन ने जो जो नॉर्मल ये लाइन बना के जो लिख के समझा है ना, उसमें अपन कंपेयर किसको कराया अपन ने, 1 से 3, 2 से 6, मैं क्या देख रहा हूँ, अब ओवरलैप कब कराते हैं आप, पहले का जो ये आखिरी वाला एलिमेंट है अगर ये इतना आगे निकल जाए कि वो दूसरे वाले के ये जो पहला वाला आइटम है उसको भी सरपास कर जाए, मतलब यहाँ पे बेसिकली मैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर 3 जो है वो बड़ा है या बराबर है 2 से, तो आप मर्ज करोगे, ऑब्वियस ही बात है ना, तभी तो आपको दो चीजों को मर्ज करने का समझ में आएगा कि भाई कैसे उन दोनों को मर्ज करना है हमें, तो लॉजिक अपने पास रेडी हो गया है। हमारा जो लॉजिक है यहाँ पे एक सिंपल सा इफ केस है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इफ मैं बोल रहा हूँ कि भैया अगर 3 जो है वो बड़ा हो 2 से या 2 के बराबर हो तो मर्ज कर देना, सॉर्टेड है। अब ये 3, 2 मर्ज कर देना, मर्ज करके कहाँ रखना, 3 कौन है 2 कौन है, ये सब चीजें अपना सॉल्यूशन और कोड में आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापिस एक काम करते हैं, कोड यहीं लिख के आइटरेट करके देख लेते हैं। अगेन अपन अपनी एरे लिखते हैं, 1 से 3, 2 से 6, 8 से 10, 15 से 18, कंपेयर कौन कौन हो रहे हैं,
एक आइटम जो आप पकड़ते हो और दूसरा आइटम जिसको जिससे आप कंपेयर कराना चाहते हो, तो पहला आइटम जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो उसका तो आखिरी वाला एलिमेंट, और जिससे आप कंपेयर कराना चाहते हो उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट से कंपेयर होता है। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, मर्ज अपन फिर आखिर फर्स्ट और आखिरी वाला कराते हैं। मतलब अपन को यहाँ पे चार बंदे पकड़ने हैं। चार बंदे कैसे पकड़ोगे? मैं बोल रहा हूँ करंट का स्टार्ट, करंट का एंड। करंट मतलब कौन है मेरा? जो मैंने भी आइटम पकड़ा है जिसको मुझे कंपेयर कराना है, जिससे मुझे कंपेयर कराना है उसका मैं नाम दे रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट का स्टार्ट और नेक्स्ट का एंड, ये चार बंदों का नाम दे दिया अपन ने। अब चारों बंदे अभी क्या क्या वैल्यूज है इनकी? करंट का स्टार्ट कितना है? एंड। करंट का एंड कितना है? 3। करंट का नेक्स्ट का स्टार्ट कितना है यहाँ पे? 2। नेक्स्ट का एंड कितना है यहाँ पे? 6। ठीक है भैया, ये हो गया अपना पहला इटरेशन। अब पहले इटरेशन में अपन ने क्या करा था? अपना जो सिंपल सा वो इफ केस वाला जो लॉजिक था वो लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला। अगर मेरा 3, मतलब 3 नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, वेरिएबल का नाम लिखूंगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। अगर मेरा करंट का एंड बड़ा है या फिर बराबर है नेक्स्ट के स्टार्ट से, तो आपको मर्ज कर देना है, नहीं तो आपको क्या करना है, नहीं तो आपको क्या करना है। अब अपने आंसर में समझो, मान लो क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मर्ज ऑल द नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। अगर मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो भाई, अगर ये दोनों मर्ज थे ना, इनको मर्ज करना था तो मर्ज तो कर दिया, पर जो चीजें मर्ज नहीं हो रही ना वो एज इट इज जा रही है, वो एज इट इज जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं एल्स में क्या बोलूंगा कि भैया अगर करंट का एंड नेक्स्ट का स्टार्ट बड़ा छोटा बराबर है तो मर्ज कर दो, नहीं तो आप क्या करो एज इट इज आंसर में डाल देना, एज इट इज आंसर में चल जाएगा। समझ में आ गया? अब अपनी आंसर एरे कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो भी एक बार फटाफट से देख लो। रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे? रिटर्न टाइप भी आपकी 2D एरे है। ठीक है, मतलब अब आपको रिटर्न टाइप क्या बनाना है यहाँ पे? रिटर्न टाइप एक ऐसा बड़ा सा एरे बनेगा जिसके अंदर अलग अलग आइटम्स आएंगे और वो खुद में अपने आप में एक एरे होंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्या हुआ? पहला वाला कंपेरिजन आपका क्या हुआ भैया? 3 जो है, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तो अपना फिर आगे का इटरेशन आएगा, यहाँ नीचे लिखते हैं कि भैया 3 जो है वो आपका बड़ा बराबर 2 है, करंट का एंड नेक्स्ट के स्टार्ट से बड़ा है, तो आपको मर्ज करना है, मर्ज कर दो। मर्ज करने में क्या करना है? जब भी मैं कह रहा हूँ कि मर्ज कर दो का मतलब यह है कि तो जो भी आपका करंट, तो आप क्या करो करंट के स्टार्ट और करंट के एंड को यहाँ पे डाल दो। क्या डाल दो? 1 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आंसर में जब अपन डालेंगे तब भी उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो एक करंट इंटरवेल या फिर कुछ एक ऐसा वेरिएबल बना के अपन रख देंगे जो कि जिसका काम बस ये होगा कि आंसर के एरे में आइटम को डालना जो भी आपका मर्ज हो रहा है। ठीक है, आइट्रेशन कंटिन्यू करते हैं अपना। अब अगला आइट्रेशन क्या? अगला आइट्रेशन तो ये हमारे पास वैल्यूज हो गई ना, ये हमारी वैल्यूज है, अब इसी से हम आगे कंपेयर कराएंगे। किससे कंपेयर कराने हैं हम? 8 और 6 से। पर अभी हमारे क्या है, अभी हमारा क्या हुआ, आंसर अपडेट हुआ A1 और 6। तो अब हमारा करंट का स्टार्ट, तो अब अपना क्या हो गया, करंट का स्टार्ट तो कितना है? 1 है, पर करंट का एंड बदल गया भाई। करंट का एंड जो था वो 3 नहीं था, अब वो 6 हो गया। नेक्स्ट का स्टार्ट कितना है? 8 है। यहाँ पे नहीं लिखते, काम करते हैं इसको अपन, करते हैं अंडू और यहाँ पे लिखते हैं करंट का स्टार्ट कितना है? 1। करंट का एंड कितना है? 6। नेक्स्ट का स्टार्ट कितना है? 8 पकड़ रहे हैं, 8। और करंट नेक्स्ट का एंड, नेक्स्ट के एंड की वैल्यू यहाँ पे ये वाली कितनी है? 10। 10 है भैया। ठीक है, अगेन अपना इफ केस वाला जो लॉजिक है वो चेक करो। क्या 6 मेरा बड़ा है 10 के बराबर से? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। तो जैसा का जैसा आइटम है वैसा का वैसा डाल दो यहाँ पे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा 8 और 10। 8 और 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड मामला। ठीक है, ये आ गया। अब आपको किसे कंपेयर करना है? 15 18 से। 15 18 इससे पहले क्या करोगे आप? अब आपका करंट का स्टार्ट कौन है? करंट का स्टार्ट कितना है? 8। करंट का एंड कितना है? 10। नेक्स्ट का स्टार्ट कितना है? 15। नेक्स्ट का एंड कितना है? 18। कंपेयर करो, क्या भैया मेरा 10 जो है वो बड़ा है मेरे 15 से? सॉरी, 15 से चेक करेंगे ना, यहाँ पर भी हमें 8 से चेक करना था, पर हाँ ठीक है, बात एक नहीं है, 8 से भी चेक करूंगा तो भी वो आंसर फॉल्स ही आएगा। तो करंट का एंड जो होता है वो नेक्स्ट के स्टार्ट से चेक करना है आपको। ठीक है, ऐसे नंबर लिख जब भी, अब ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, मैं क्या कर रहा हूँ बार बार सॉल्व करते टाइम आइटरेट जो कर रहा हूँ मैं, आप बार बार नंबर का यूज कर रहा हूँ, अगर ऐसे नंबर का यूज करेंगे ना तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा नाम वेरिएबल्स का नाम ले लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से बेसिक एरर आई जाती है, कहीं ना कहीं फट जाता है फिर कोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भैया, करंट का एंड को मैं चेक कराऊंगा करंट के एंड स्टार्ट से, नेक्स्ट के स्टार्ट से। ठीक है, तो क्या मेरा 10 जो है वो 15 के बड़ा या छोटा बराबर है? नहीं है, तो एज इट इज वैल्यूएबल को यहाँ पे डाल दो, इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, क्या हो जाएगा ये 15 और 18 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस पूरी चीज को कोड करके देखते हैं। अगेन मिस्टेक क्या करी थी हमने, हमने नंबर्स पे बात कर रहे थे, वेरिएबल्स पे बात नहीं करी थी, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। ठीक है,
कोड करके देख लेते हैं। अब कोड कैसे करेंगे, अपन ने क्या बात करी थी कि हम चार बंदे बिठा रहे थे और फिर उनको अलग अलग वैल्यूज में डाल रहे थे, पर यहाँ पे हमें क्या दिक्कत है कि हमें जो रिटर्न करानी है ना वो भी एक 2D array है, 2D array रिटर्न करानी है, तो पहले एक 2D array बना लेते हैं और फिर उसको रिटर्न कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें रिटर्न टाइप क्या करवाना है, हमें रिटर्न टाइप करवाना है 2D array। अब 2D array में इंसर्ट और वो ऑपरेशन काफी लंबे सा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट में मैं काम करूंगा और फिर लास्ट में जाके जब हमें रिटर्न कराना होगा ना, आखिरी में जब रिटर्न कराना होगा तो उस लिस्ट को मैं 2D array में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले कैसे होता है। सबसे पहले काम करते हैं, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। अब लिस्ट के अंदर आइटम क्या होगा, एरे होगा, 2D array है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो इंट ऑफ एरे आ गया, यहाँ पे आ गया। मैं इसको बोलता हूँ भैया कि तू मेरा आंसर है। ठीक है, और न्यू करके ये बना देंगे हम, एरे की लिस्ट हो गई, सॉर्टेड है यहाँ तक काम हमारा। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ कि मैं ना हर बार जब मैं आइटरेट कर रहा हूँ ना, तो मैं एक बंदे को पकड़ रहा हूँ, मतलब हर एक इंटरवल को पकड़ रहा हूँ कि भाई इस इंटरवल से फिर हम आगे वाले को कंपेयर करेंगे, फिर इस इंटरवल से आगे वाले को कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं करंट इंटरवल। अभी हमने बात करी थी ना करंट इंटरवल और नेक्स्ट इंटरवल की, तो करंट इंटरवल पकड़ते हैं। अब करंट इंटरवल में मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए उसको भरने के हिसाब से मैं इंटरवेल का तो 0th आइटम जो है ना वो उसको पकड़ा देता हूँ कि भाई तो अभी इसको लेके बैठ, करंट इंटरवेल पहले वाला आइटम को लेके बैठना, पहले वाला आइटम कौन है, 1 से 3, उसको लेके ये बैठेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर है उसमें काम करते हैं अपन, आंसर में इसको ऐड करा देते हैं इंटरवेल, करंट इंटरवेल को। तो हमें बार बार क्या कराना है, करंट इंटरवेल को ही हम हमारे आंसर में ऐड कराएंगे। हमने अभी यहाँ पे देखा है कि जब भी हमें यहाँ पे कुछ ऐड कराना होता है तो हम करंट इंटरवेल के अंदर ही ऐड कराते हैं। ठीक है, आंसर के अंदर ऐड कराते कि हमारी आंसर वाली एरे है और ये हमारे करंट इंटरवल्स चल रहे हैं, इन्हें हमें ऐड करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐड करा दिया। तो अभी अभी बेसिकली आपके पास आंसर के अंदर क्या है, 1 से 3 वाला पहला वाला आइटम पड़ा हुआ है। ठीक है, एरे ऑफ एरे। अब क्या करेंगे, मैं इसको बोलता हूँ कि भैया आइटरेट करना चालू कर, आइटरेट करेंगे। आइटरेट में आपको क्या करोगे, एक एक आपको एरे मिलेगी जो कि दो दो आइटम की होगी, स्टार्ट और एंड वाली। मैं इसको बोलता हूँ कि तेरा नाम ले ले तू आइटम्स, और तू किस में आइटरेट करेगा, इंटरवेल्स में आइटरेट करना है तेरे को, इंटरवेल्स में ही आइटरेट करेगा। अब मैंने क्या बोला, चार बंदे पकड़ते हैं अपन, चार बंदे कौन कौन पकड़ते हैं, नाम पे फोकस करो। सबसे पहले तो हो गया भाई करंट का स्टार्ट, ठीक है, एक हो गया, फिर करंट का एंड हो गया, एक हो गया आपका नेक्स्ट का स्टार्ट हो गया, और एक आपका हो जाएगा नेक्स्ट का एंड। तो ऐसे चार बंदे पकड़ने हैं। अब वैल्यूज कहाँ कहाँ से आएगी भाई, करंट के स्टार्ट में तो आप एक काम करो, करंट का स्टार्ट आप हमेशा करंट इंटरवेल से लेते रहो। तो करंट इंटरवेल का जो 0th आइटम है और करंट इंटरवेल का जो पहला वाला आइटम है उसको तो आप स्टार्ट और एंड मानते चलना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला, अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला मेरी कौन सी इंटरवेल की एरे से अपन ले रहे हैं, इंटरवेल की एरे से कैसे लेंगे, मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा अभी नेक्स्ट का स्टार्ट तू क्या कर, जो अपना आइटम है ना बी वाला उसके अंदर दो आइटम है, तो 0 वाला जो स्टार्ट वाला है वो यहाँ पे उठा ले और एंड के लिए तो यहाँ पे 1 वाला उठा ले। ठीक है, अब अपना यहाँ पे क्या चलेगा, अपना यहाँ पे अपन को सिंपल सा इफ केस लगाना है। अपन ने बोला कि एक ही चेक से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बोलूंगा मैं, क्या मेरा करंट का एंड बड़ा है नेक्स्ट के स्टार्ट वाले वैल्यू से, नेक्स्ट के स्टार्ट वाले वैल्यू से अगर बड़ा या बराबर है तो आपको मर्ज करना है, नहीं तो आपको मर्ज नहीं करना है। मर्ज कैसे करो, तो यहाँ पे क्या है ये करना है अब आपको। ठीक है, अब अपन ने देखा था कि मर्ज कैसे करेंगे वो देखते हैं भाई। जब भी मेरे को यहाँ पे आया कि भाई 3 बड़ा इक्वल्स टू है 2, तो मर्ज कर दो। मर्ज कैसे कर दो, इन दोनों वैल्यूज को उठा के मर्ज करा दो। तो अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मान लो कि अगर ये 6 जो है और ये जो 3 है उसमें भी तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा ना कि भाई कौन बड़ा है। अगर मान लो ये यहाँ पे 8 निकला तो मेरा इंटरवल क्या बनेगा मर्ज होने के बाद, 1 से 6, जो कि गलत होएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों में भी कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन बड़ा है, और फिर उसके उसी के हिसाब से अपन मर्ज करेंगे। ठीक है, तो अपन अब क्या लिखते हैं इसे कोड में, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई मेरा जो करंट इंटरवेल है, ठीक है, करंट इंटरवेल के पहली पोजिशन पे आप एक काम कर लो कि अब अपन दोनों के एंड को कंपेयर करा के डाल दो। दोनों के एंड को कंपेयर कराने क्या कर सकते हैं, एक तो मैं वो इफ वाला लिख सकता हूँ, जावा के अंदर एक मैथ वाला भी होता है, मैथ वाले के अंदर एक मैक्स का फंक्शन होता है, उसको आप दो वैल्यू दो वो बड़ा बता देगा कि कौन सा बड़ा वैल्यू है। और दोनों के एंड को कंपेयर कराना है, किसको कंपेयर कराना है, एक तो करंट का एंड बड़ा है या फिर नेक्स्ट का एंड बड़ा है, तो जो भी बड़ा होगा नेक्स्ट का एंड बड़ा है, तो जो भी बड़ा होगा वो अपने
करंट इंटरवल में आ जाएगा। तो ये अपना काम, तो ये यहाँ तक अपन ने मर्ज करके देख लिया कि भैया जब भी आपको करंट का एंड जो है वो बड़ा मिले, बराबर मिले अगले के स्टार्ट वाले से, तो आप मर्ज कर देना है। बस मर्ज करते टाइम आप दोनों के एंड को भी कंपेयर करा लेना, नहीं तो जो मर्ज होएगा वो हो सकता है कि छोटा हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अगर मान लो मर्ज नहीं हुआ, अगर मर्ज नहीं आ रहा है या फिर बड़ा नहीं आ रहा है, कोई वैल्यूज ओवरलैपिंग ही नहीं आ रही है, कैसे 8 से 10 से 15 से 18 ओवरलैपिंग वैल्यूज ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, सिंपल सा करंट के इंटरवेल में आपको अपना आइटम दे देना है, जो भी आइटम है इसको दे दो और इसको बोलो कि भाई एक काम कर तू, ये जो आंसर है ना, आंसर में तू ये करंट इंटरवेल डाल दे और कुछ मत कर, क्योंकि वो आंसर एज इट इज आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा जो इफ केस था वो लग गया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे अपन, अब उनको आंसर को रिटर्न कराना है। आंसर का रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर एरे है 2D की, हमने यहाँ पे लिस्ट में काम करा है। अब लिस्ट को एक काम करते हैं हम, फटाफट से एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे भैया, आंसर को आप करो टू एरे करो। अब टू एरे डायरेक्टली करूंगा तो फटेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली अगर टू एरे करूंगा ना तो ये फट जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि यार एक लिस्ट को आप एरे में कन्वर्ट कर दो, उसकी क्या साइज है क्या है आप कुछ बता नहीं रहे हो। ठीक है, तो बताने के लिए अपन कैसे लिखेंगे टू एरे, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे न्यू लिखो, इंट बोलो और इंट में इसकी साइज बता दो, साइज क्या है आपके, आंसर की साइज है, आंसर की साइज है, और ये क्या है 2D एरे है। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं अपन एक बार कि क्या आंसर आता है। ठीक है भाई, यहाँ पे फट गया है, यहाँ पे क्यों फटा है ये, आपने बोला है साइज, इसको ब्रैकेट लगाओ, फंक्शन कॉल है ये। ठीक है, अरे भाई अब करो इसको। ठीक है, अब आपके हैप्पी केसेस चल रहे हैं, इसमें एक दिक्कत है अभी भी, अगर मैं इसको सबमिट करने जाऊंगा ना तो फट जाएगा। क्यों फटेगा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में एक चीज देखी है कि उसने बोला है कि उसने सिर्फ हैप्पी केसेस के लिए बोल दिया कि भाई मैं आपको इनपुट दूंगा आप इसको कर देना। ठीक है, बट इसमें एक गड़बड़ अभी भी है, अगर इसने ये इनपुट इसे ऐसे दे दिया कि भाई 1 3 तो यहाँ पर है, पर ये जो 2 और 6 है ना वो एंड में पड़े हुए हैं, और 15 18 यहाँ पे पड़ा हुआ है, आगे पड़ा हुआ है, तो 1 और 3 जो है वो 15 और 18 से कंपेयर होएगा और वो तो कह देगा कि भैया ये तो नहीं है, ये तो ओवरलैपिंग इंटरवल्स नहीं है, तो अपना मिस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले हमेशा ये याद रखना है भाई कि आप जो मुझे इनपुट दोगे ना वो मुझे सॉर्टेड देना, क्योंकि सॉर्टेड नहीं दोगे तो फिर मैं मर्ज नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे 1 और 3 जो है वो 2 और 6 से कंपेयर हो पाएगा। अगर 1 और 3 15 और 18 से कंपेयर होता तो 1 और 3 भी अंदर जाता, 15 और 18 भी अंदर जाता, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप मुझे सॉर्टेड दो। अब यहाँ पे तो ये मुझे सॉर्टेड दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है, तो मैं काम करता हूँ खुद ही सॉर्टेड लिख देता हूँ। एरे में अपन ने सॉर्ट का दे रखा है, क्या होता है एरेज डॉट सॉर्ट करके एक कुछ फंक्शन सा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या है ना, दिक्कत 2D एरे है, आपको उसको बताना पड़ेगा भाई कि कैसे कंपेरिजन करके आपको उसको सॉर्ट करना है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तू है ना एरेज का सॉर्ट, अगर आप एरेज के सॉर्ट वाला फंक्शन में जाके देखोगे कि वो इंटरनली क्या क्या वैल्यूज लेता है, तो आप नेट पे वो देख सकते हो ना, वो क्या लेता है, वो आप उसको एरे दे दो आपकी एरे जो भी है, और फिर वो आपको एक लैम्डा रिटर्न करेगा, लैम्डा में रिटर्न करेगा वो 2 आइटम जो कि आपके आइटम है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या ना अलग से कंपेयर लगाना है। क्या कंपेयर लगाना है मुझे, मैं तब सॉर्ट मानूंगा जब मेरा पहले वाले आइटम का पहला आइटम और दूसरे वाले आइटम का पहला आइटम बड़ा होगा आगे वाले से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कंपेयर लगाना पड़ेगा, तो ये मुझे एक लैम्डा देता है जो मुझे कहता है कि भाई ये काम करो आप, लेट सपोज मैं इसको बोलता हूँ नंबर 1 और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, मुझे ये क्या करेगा एरेज को सॉर्ट, अब एरेज को सॉर्ट करना है तो मैं मेरा कहना ये है कि आप है ना ये मेरे को 2 आइटम दो, तो एरे इंटरनली बेसिकली सॉर्ट कैसे करता है, वो 2 आइटम को कंपेयर करा करा के करता है ना, पर कंपेयर में मैं अपना लॉजिक डाल सकता हूँ, मैं उसको बोलूंगा। अब यहाँ पे क्या है ना, वो एरे ये आइटम ही एरे है, अब एरे को तो वो क्या ही कंपेयर करेगा, तो उसको मुझे बताना है कि भाई ये जो पहले एरे आएगी और दूसरे एरे आएगी उसके पहले पहले आइटम को तो कंपेयर करना। ठीक है, कैसे बोलूंगा मैं, भैया एरे तो 1, एक तो आएगी आपके पास एरे 1, एक आपके पास आएगी एरे 2। ठीक है, तो तू क्या करना आपको यहाँ पे कि भाई ये लैम्डा आएगा, तो यहाँ पे क्या करना इंटीजर डॉट कंपेयर कर देना, किस किस को कंपेयर करेगा तू, इस एरे 1 ये जो पहला वाला आइटम आएगा ना इसका तो तू उठाना पहला वाला बंदा, पहला वाला वैल्यू, और किससे कंपेयर करेगा तू, दूसरे वाले आइटम के पहले वाले आइटम से, मतलब एरे 2 के 0th आइटम से, तो इन दोनों को तो कंपेयर कराना जो बड़ा हो और उसको पहले रखते जाना। ठीक है, अब रन करके देखते हैं अपन इसको, चलो रन करो एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, हैप्पी केसेस अपने चल रहे हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया है, 7 मिलीसेकंड लगा रहा है ये, तो अपन अपने आप ही वेबसाइट पे चलते हैं। मर्ज इंटरवेल्स आज का ये क्वेश्चन हो गया है,
इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, समझ में आया है नहीं आया है, जो भी है आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है, सही लगा है वीडियो, तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।